हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके साथ में रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चाप रेसिपी कि किस तरीके से बनाते हैं रेस्टोरेंट में। एकदम क्रीमी सोया चाप बिल्कुल लाजवाब बनने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको, रेसिपी को कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिए हैं सोया चाप। तो ये देखिए, आप देख सकते हो, तो ये सोया चाप जो है ना फ्रीज़र में रखी जाती है। आप इसके ऊपर ये देख सकते हो कि हल्की हल्की बर्फ़ भी जम रही है, ये देखिए इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक भगोने में गर्म पानी करना है, उबाल लेना इस तरीके से, फिर अपनी सोया चाप जो है इसमें डाल देना है। उबालना नहीं है, बस इसमें डाल देना है। गैस को मैंने कर दिया है ऑफ़। इस तरीके से डालने के बाद जो है ढक के रख देना है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। जो फ्रीजर में रखी होती है ना, तो उसके लिए सॉफ़्ट करना है हमें, बस बनाना नहीं है। ये पहले से ऑलरेडी बनी हुई होती है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी चाप जो है सॉफ़्ट हो गई है। और अब हमें क्या करना है, इस लकड़ी को जो है इनसे अलग कर देना है, सारी लकड़ियों को निकाल देना है। तो आराम से निकल जाती हैं, ये देखिए। अब इसको हमें कट करना है, तो गोल गोल शेप में इस तरीके से कट करना है, पीसेस में, पतले पतले करिएगा, ज़्यादा मोटे मोटे नहीं। तो इस तरीके से ये देखिए। और आपको फिर क्या करना है, इसका एक अलग ही तरीका है, इस तरीके से इसको थोड़ा हल्के हल्के इस तरीके से कर देना, ताकि इसकी जो लेयर है वो खुल जाए, जो हमारा मसाला फिर बाद में जब बनेगा तो इसके अंदर तक चला जाए। तो रेस्टोरेंट का एक खास स्टाइल तो यही है। तो बस इसी तरीके से हमने सारे पीसेस जो है कट कर लेना है, सारे चाप को, और सारे लेयर इसी तरीके से खोल लेना है आपको। और पतली पतली लेयर कट करिएगा, ज़्यादा मोटी करोगे तो फिर बाद में जो है अच्छी नहीं लगती, फिर खाने में बाद में दिक्कत आती है, बच्चे भी नहीं खाते उसको। तो इस तरीके से लेयर खोल लेना है सभी पीसेस को इस तरीके से। फिर हमें क्या करना है, बाद में फ्राई करना है, इनको डीप फ्राई करना है। ये देखिए कट हो चुकी है, और उधर मैंने रख दी थी कढ़ाई गरम करने के लिए। तो मैं चलिए आपको मसाला दिखाती हूँ। चार टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पे बड़े, और लहसुन की कलियाँ ली हैं, और अदरक का टुकड़ा लिया है इतना, और लहसुन अदरक मैंने अच्छा सा लिया, ज़्यादा सा, और चार हरी मिर्च ली है, प्याज ली है मैंने चार बड़े, और इस तरीके से कट कर लिया है, और इनके लेयर को खोल लिया है प्याज की। और मसाले में मैंने ज़्यादा कुछ खास नहीं लिया है, ये एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, चार लौंग ली है, दो छोटी इलायची ली है मैंने, और ज़्यादा मसाला नहीं यूज करना, बस यही करेंगे। तेल लग दिया था अपना गरम करने के लिए, और हमें अपनी सोया चाप जो है इस तरीके से डीप फ्राई करनी है। और आप देख सकते हो इसका कलर जो हल्का हल्का चेंज होने लग गया है। और इसकी खास क्या बात है, जैसे इसका मॉइस्चराइज़र ख़त्म होगा तो ये फूलने लगेगी हल्की हल्की। तो इधर हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर जार में टमाटर लिए, हरी मिर्च वगैरह डाल के, जो मैंने अभी आपको मसाला दिखाया था उसका पेस्ट बनाना है, अच्छे से पीस लेना है। और हमारी सोया चाप जो है हल्की सी ब्राउन हो चुकी है, ये देखिए। अब हमें ये ठीक है, मतलब इसी स्टेज पर निकाल देना है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो बस इसी तरीके से निकाल लेना है, इसका ऑयल एक्स्ट्रा जो है वो निकाल देना है इसी तरीके से। फिर हमें क्या करना है, इसी ऑयल में जो हमारी प्याज थी वो डाल देंगे, और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको जो है भूनेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट इसका पेस्ट बना के फिर अच्छे तरीके से भून भी सकते हो। मैंने इस तरीके से किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि मैंने इसको आपको रेस्टोरेंट स्टाइल दिखाया है। और हमने सोया चाप ली है, इसमें जो है 4 से 5 चम्मच दही लिया है, कर्ड और ताज़ा दही है, और खट्टा नहीं लेना है, फ्रेश दही है ये। तो इस तरीके से इसको मिला के रख देना है कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। और हमारी जो है प्याज इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो बहुत अच्छे तरीके से हो गई है, ये हमको ऐसे ही चाहिए थी। तो बस इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए इसको प्लेट में रख देना, और ठंडा करके इसको पीस लेना है, महीन पेस्ट बनाना है। फिर हमें क्या करना है, इसका ऑयल निकाल लिया था एक्स्ट्रा, और उसी में खड़े मसाले डाल दिया है, और जो टमाटर की प्यूरी थी वो डाल दी है। अब चलिए मसाला तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ली है कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती, बस कलर के लिए होती है और टेस्ट के लिए होती है बस ये। और हमने लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लिया है मैंने पिसी लाल मिर्च, आप अपने हिसाब से ले सकते हो तीखा या कम। और ढेर सारा हमने लिया है यहाँ पे पिसा हुआ धनिया, तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच लिया था धनिया पाउडर। आपको धनिया और मसालों से ये थोड़ा ज़्यादा लेना है, ताकि इसका अच्छे से पेस्ट बने, मसाला बने। तो बस इसमें डाल देना है, अच्छे से पेस्ट बनाना है, और इसको अच्छे से भूनना है, इतना भूनना है कि जब इसका तेल अलग हो जाए और हमारी प्यूरी जो है बन के तैयार हो जाएगी मसाला बन के। तो ढक के मैंने रख दिया था, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, बहुत ही बढ़िया क्रीमी लग रहा है ना। इसकी पहचान ये है कि देखिए तेल ऊपर ऊपर हो गया है, और हमारी जो टमाटर की प्यूरी थी वो नीचे तले में लगने लग गई थी। फिर जो हमने प्याज पीसी थी ना भुनी हुई, फिर वो डाल देना है यहाँ पर। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है, हल्का सा पानी डालना है, वही मिक्सर का जार जो डब्बा होता है उसको धोकर पानी डाल देना है, और इसको फिर पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये जो हमारी प्याज पहले से ऑलरेडी भुनी हुई थी और भुन जाए। फिर हमने नमक नहीं डाला था, आपने नोटिस किया होगा मैंने मसाले में नमक नहीं डाला था, नमक मैंने बाद में डाला है, ठीक है। आप चाहो तो मसाले के साथ भी डाल सकते हो, मैंने तो फिर बाद में यूज़ किया है। तो मैंने मसाला देखते हैं हमारा कैसा हो गया है। तो ये देखिए हमारा मसाला जो है बनके तैयार हो गया, बहुत ही अच्छा पका है। तो चलिए इसमें डाल देते हैं अपनी क्रीम, या फिर मलाई जो दूध की निकली हुई होती है वो डाल दीजिए, मेरी मलाई है ये। आप किसी क्रीम भी बना सकते हो, मिक्सर के जार के डब्बे में डालकर थोड़ा सा इसको चला देना है, तो हमारी क्रीम बनके तैयार हो जाएगी, बस वही क्रीम होती है दूध की मलाई वाली। तो ये डाल दी है मैंने, और जो हमारी सोया चाप थी वो डाल दी है। इसको अच्छे से मिक्स करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब आपको ज़्यादा पतली चाहिए या फिर इसी तरीके से थिक चाहिए तो उसी तरीके से रखिएगा। मैंने यहाँ पर हल्का सा पानी डाल दिया, वही बर्तन जो था मेरा दही वाला उसको धो गई, और अपने हिसाब से पानी डालिएगा, बस ढक के रख देना है 5 से 7 मिनट तक, 10 मिनट तक इसको पकाना है। तो ये देखिए मेरी बनके तैयार हो गई है। और तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी,
अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ पे कस्तूरी और धनिया डाल दिया है, हम डाल देंगे अपना गर्म मसाला टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी रेस्टोरेंट स्टाइल में। है ना रेस्टोरेंट स्टाइल को लाजवाब लग रही है ना हमारी सोया चाप, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास और कोई तरीका है बनाने का तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारी सोया चाप जो है बनकर तैयार हो गई है और इस तरीके से मैंने जो है सर्व कर ली है। तो चलिए फिर वीडियो का कर देते हैं एंड। बाय बाय।